रेंजर ने जालौर उपखंड क्षेत्र के समस्त एक्सप्लोजिव लाइसेंस धारियों को विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत सुरक्षा संबंधित निर्देश जारी किए हैं। जालौर उपखंड मजिस्ट्रेट चंपालाल जिंगर ने राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत सुरक्षा संबंधित समस्त एक्सप्लोजिव थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं। एक्सप्लोजिव दुकान के लिए स्थान सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए तथा दुकान में लाइट फिटिंग सही गलत होनी चाहिए। दुकान के आसपास में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों की अन्य दुकान अथवा स्टोर नहीं होना चाहिए। दुकान पक्की बनी हुई तथा दुकान में बारूद पटाखा आदि रखने के लिए पर्याप्त स्थान और दुकान की छत RCC बनी होनी चाहिए। दुकान के पास आवागमन के लिए रास्ता पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए ताकि फायर ब्रिगेड वाहन आसानी से आ सके। दुकान ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान पर नहीं होनी चाहिए तथा दुकान पर अग्निशमन यंत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए और सहज पाठनीय जगह पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगा होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सोनी ने आहोर विधानसभा क्षेत्र के BALO पद्मा सिंह को अपने कर्तव्य से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने तथा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में प्रगति शून्य पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी और कार्यस्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी द्वारा जिला स्तर पर 4 और उपखंड स्तर पर 3-3 निरीक्षण दलों का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी ने बताया है कि प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर से पर्याप्त निर्देशों के तहत सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी और कार्यस्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर निरीक्षण दलों का गठन किया गया है, जो माह नवंबर 2019 से समय समय पर विभिन्न कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण कर कर्मचारियों की उपस्थिति की रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। शहर के सीरे मंदिर मार्ग पर स्थित पुराना जालौर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत साहिदुल वली शमसुद्दीन शाह सोहरद वर्दी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 19 अक्टूबर को आयोजित होगा। सालाना उर्स को लेकर दरगाह कमेटी के सचिव जाकिर अली अंसारी ने बताया है कि 29 अक्टूबर मंगलवार को चादर की रस्म और कुरान रवानी होगी। सालाना उर्स में हजरत मोहम्मद साकिरुल कादरी साहब फौजी शिरकत करेंगे। उर्स की तैयारियों को लेकर कमेटी के द्वारा जगह जगह पर प्रचार किया जाएगा। आयरन लेगी समर सत्ता अवार्ड हस्तु इंडो नेपाल समर सत्ता संगठन द्वारा भारत के परिप्रेक्ष्य में 31 अक्टूबर को आयोजित आयरन समर सत्ता अवार्ड जालौर जिले की राम सिंह निवासी समाज सेविका और भाजपा नेत्री हस्तु जी नगर को दिया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय सचिव मोहसिन खान ने अवार्ड के लिए जालौर जिले से हस्तु जी नगर को अवार्ड देने की घोषणा की है। समाज सेविका हस्तु जी नगर को अवार्ड मिलने की खुशी से कई सामाजिक संगठनों ने बधाई देनी शुरू कर दी है। शहर के सदर बाजार में स्थित शाही जमा मस्जिद जालौर में 7 दिवसीय फैजान नमाज कोर्स का शुभारंभ किया गया है। शाही जमा मस्जिद के मौलवी मोहम्मद फैजान अंसारी ने बताया है 25 अक्टूबर से शुरू हुई फैजान नमाज में मोहम्मद साहब के सिद्धांतों और जीवन को लेकर पाठ पढ़ाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद फैजान अंसारी रासमंद का रहने वाला हूँ। जालौर में माशाल्लाह आज से 7 दिन का नमाज कोर्स शुरू हो चुका है। इस 7 दिन के नमाज कोर्स में नमाज के फ़ज़ाइल और किन चीज़ों से नमाज दुरुस्त होती है, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, इस पर तरबियत की जा रही है। फिर माँ बाप का अदब भी यहाँ सिखाया जाएगा और जो सुन्नतें और आदाब है वो भी माशाल्लाह यहाँ सिखाई जाएगी। कुरान यहाँ पर इनकी माशाल्लाह दुरुस्त करवाई जाएगी। तो आज जो नौजवानों जो बुराइयाँ हैं, जैसे नशा है और दिगर जो चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह इनसे दूर करवाई जाएगी। तो ये 7 दिन का नमाज कोर्स यहाँ पर इनका रिहायशी है, खाना पीना सोना सब यहीं पर रहेगा और इनकी अखलाक की तरबियत भी होगी और नमाज के मसाइल भी सिखाए जाएंगे। जालौर जिला उपखंड क्षेत्र की
जन सुनवाई उम्मीदाबाद ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में आयोजित हुई, जिसमें जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग और उपखंड अधिकारी चंपालाल जिनगर ने क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी जन समस्याओं के शीघ्र निवारण के निर्देश दिए। उम्मीदाबाद ग्राम पंचायत में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोगों ने जन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। जन सुनवाई में SDM चंपालाल जिनगर, जालौर थाना अधिकारी पाग सिंह, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, पानी विभाग, सड़क निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग सहित कई सरकारी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। जालौर जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में दीपावली के पर्व पर व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर रंग बिरंगी सजावट कर ग्राहकों को आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। शहर में दीपावली के पर्व से पूर्व धनतेरस को शहर के बाजारों में सोने चांदी की दुकानें, मिठाई की दुकानें, कपड़े की दुकानें, बर्तनों की दुकानें, फूलों की सजावट की दुकानें सहित कई दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ खरीदारी करती नजर आ रही है। शहर के मार्केट में स्टील के बर्तन की खरीदारी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारों का धनतेरस पर विशेष महत्व रहता है। धनतेरस पर जगह जगह किराना की दुकानों पर भी शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने खरीदारी की। दीपावली के पर्व पर लोगों में नए वाहन खरीदने का भी उत्साह बना हुआ है। दुकानों पर लाइटें भी शहर की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई 29 अक्टूबर तक जालौर जिले के दौरे पर रहेंगे। जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी ने बताया है कि राज्य के वन और पर्यावरण विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले में विभाग राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई 26 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 8 बजे सांचौर कार्यालय में जन सुनवाई करेंगे तथा 27 अक्टूबर रविवार को 5:30 बजे सांचौर से प्रस्थान कर 6:30 बजे केरिया गाँव पहुँचेंगे तथा रात्रि विश्राम केरिया गांव में करेंगे। राज्य मंत्री 28 अक्टूबर सोमवार को सांचौर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में जनसंपर्क करेंगे तथा 29 अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 8 बजे पथमेड़ा गौशाला के रजत जयंती कार्यक्रम में भाग लेंगे। तत्पश्चात 11 बजे सांचौर में विश्नोई प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेंगे। 5:00 बजे सांचौर से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय जालौर में धनवंतरी जयंती जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग और जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी की उपस्थिति में शुक्रवार को उत्साह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने आयुर्वेद चिकित्सालयों के माध्यम से आम जनता को लाभ पहुंचाने की बात कही। जिला कलेक्टर महेंद्र सोनी ने रोग की पहचान पैथोलॉजी टेस्ट सोनोग्राफी सिटी स्कैन से करने के पश्चात आयुर्वेदिक दवा से रोगी का उपचार कर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शरीर में रोगों की उत्पत्ति न हो इसके लिए योग प्राणायाम और वनस्पति का उपयोग करना चाहिए। एडवोकेट मधुसूदन व्यास ने रस चिकित्सा की उपेक्षा वनस्पतिक द्रव्यों की औषधि पर बल दिया। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP शर्मा, डॉक्टर रमेश चौहान, मधुसूदन व्यास, आयुर्वेद विभाग के उप निर्देशक डॉक्टर अनिल शर्मा, सहायक निर्देशक डॉक्टर जगदीश शर्मा, मदन राज बोहरा और दलपत सिंह आर्य उपस्थित रहे। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीराम ने सभी आभार ज्ञापित किया। स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री बांगीलाल जी सोलंकी के पावन स्मृति में शहर के व्यस्तम मार्केट और सुभाष मार्केट में सांडव वाक पर बनी एक पानी टंकी को गोद लिया है, जो आज जर्जर अवस्था में है। पानी टंकी का पुनः निर्माण और रख रखाव का जिम्मा लिया है। नगर परिषद जालौर उपसभापति मंजू सोलंकी ने बताया है कि यह पानी टंकी शहर के सभी धर्मों के लोगों के लिए पीने का एकमात्र स्रोत है। जर्जर अवस्था में होने के कारण लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। अब यह समस्या नहीं रहेगी। अब इनका नए सिरे से पुनः निर्माण करवाया जाएगा। आज धनतेरस के दिन विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है और यह कार्य 6 माह से पूर्ण कर नई पानी की टंकी नगर परिषद जालौर को सुपुर्द कर दी जाएगी। इस मौके पर उप सभापति मंजू सोलंकी और उनके पति राजेंद्र सोलंकी, ऋषभ सोलंकी, भाविन सोलंकी सहित मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकर सिंह बगेड़िया, इनके साथ व्यापारीगण शिवपाल प्रजापत, गोकुल प्रजापत, चुन्नीलाल प्रजापत, राजेश प्रजापत, हीरालाल प्रजापत,
साजिद भाई चूड़ीगर मुजफ्फर भाई अफजल भाई चंद्र प्रकाश कागू भाई तारजी प्रताप घनश्याम माली मुकेश कुमार रमण भाई लखारा मौजूद रहे।